इसके पहले कि बीच बंद हो जाए, हम एक दिन तो किया नहीं। अच्छा तो अभी हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कवात् वंदे श्री गुरु दीन तारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन गोविंद जी की गोपीनाथ की जय। राधा रमन की जय। राधा माधव की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। सुहसन प्रभु की जय। गौरंगा की जय। गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवाय। ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देहीं ओम देवं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीवासं ततो जय तदोजयन्ति। मदीरये नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवनिष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। यहाँ पे सभी हमारी माताएं और प्रभु जी आप सब लोग का जय। भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम सब लोग इस गीता का ज्ञान का शुरुआत करते हैं। जैसे कि परंपरा के तौर पर मैं आप सब लोग से कल का विषय अभी एक दिन तो मैं पूरा पूछूंगा, तो ज्यादा नहीं। मैं कहा था तीन तीन चार चार लाइन हर चैप्टर का, कोई पूछे तो आप सारांश में बता सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ाई। प्रभु जी, सिंपल मुझे बोलिए। एक चीज पूछनी थी। मेरे पास ये वाली गीता है, हाँ यही है ना, यही है। ये आपकी यही थोड़ी तो डिफरेंट है ना? और थोड़ा सा चेंज वही है लेकिन है वही ठीक। सब वही, और उसी से मैं रेफर कर रहा हूँ जी माता। ठीक तो कल हम सब लोगों ने कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय का शीर्षक क्या था? कर्मयोग। कर्मयोग ओके। और तीसरा अध्याय का कर्मयोग में हम सब लोगों ने इम्पोर्टेंट कुछ चीजें सीखी, तीन चीजों या जो चीज आप सब लोगों ने उसमें जो जो मूल मूलतः आपको याद है वो बताइए। हम लोग एक दो मिनट के बाद फिर हम लोग सत्र को शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहला चीज आप सब लोगों ने क्या देखा? अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। अर्जुन कृष्ण से क्या पूछते हैं? हरे हेलो। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। अर्जुन कृष्ण से यही पूछते हैं कि जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो कर्म योग को क्यों प्रधानता दिया जाए? अच्छा ओके। और कुछ? ठीक है उमेश प्रभु, आपने आपने एक कर्म हाँ बोलिए बोलिए माता। और मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म का बैलेंस एग्जैक्टली अच्छा कुछ हम लोगों ने पुण्य ज्यादा हो जाएंगे। कुछ कर्म के बारे में हम लोगों ने सुना हम सब लोग, और तीन चीज और हाँ और बोलिए। और आप सब लोग कुछ ना कुछ हम सब लोगों ने और चर्चा की। हम सब लोगों ने योगा लेटर की चर्चा की है? सबसे ज्ञान इम्पोर्टेंट और भक्ति की पहला चीज ये था कि अर्जुन ने भगवान की क्या की? शरणागति ली। लिखी नहीं, शरणागत। भगवान को अपना गुरु मान लिए। उसके बाद फिर भगवान मैं शरीर या आत्मा और इसके ऊपर भगवान का ज्ञान उनको बोध कराते हैं। ये एक्चुअली में पहले मतलब इसके पहले वाला में जो था, और अगर आत्मा है फिर है तो आज और कल में क्या अंतर? मैं
भगवान ने सेकंड चैप्टर में क्या किया था, अर्जुन को बताया कि मैं शरीर हूं आत्मा नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, नहीं ठीक है। तो फिर अभी जो है वह अब अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं शरीर आत्मा, मैं मान लिया कि मैं आत्मा हूं, अगर मैं आत्मा हूं तो कल और आज में क्या फर्क है। और दूसरा है बहुत इम्पोर्टेंट, कल आप लोग भूल गए, कल बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने चर्चा की, कर्म कांड के बारे में प्रभु बताए थे। कर्म कांड के बारे में तो नहीं, उसके पहले बताया। और पहले प्रभु जी जो हमने धर्म, यज्ञ हमने धर्म के बारे में बात किया था। यज्ञ हाँ आत्मा मत धर्म बोलिए। क्या है बोल के बताते हैं। हाँ कौन कौन सा धर्म के बारे में बात किया था, साक्षात्कार किया, स्वधर्म ये और सब। नित्य। हाँ अच्छा, अब तीसरे अध्याय। हाँ तो ये जो है ये कंटिन्यूएशन में हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद हम सब लोगों ने प्रयास किया कि हम सब लोगों को, अगर हम आत्म साक्षात्कार किए तो हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से हम सब लोगों को। उसके बाद हम सब लोगों ने क्या देखा, कौन सा लेटर देखा, भक्ति योग नहीं, प्रभु भक्ति योग कभी आया ही नहीं है, योगा अच्छा लेटर देखा, योगा लेटर देखा। सिंपल सिंपल चीज याद करिए प्रभु। कर्मयोग। नहीं, ये माता जी समझिए मैं क्या बोलूं, योग लेटर देखा, देखा कि नहीं। वो योग लेटर, योग लेटर में हरे कृष्णा, योग लेटर में बोलिए। कर्मकांड कर्मयोग योग लेटर में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से कैसे भक्ति योग के थ्रू जुड़ा जाए। नहीं, योग लेटर में तो हमने देखा सबसे पहले अनुलोम विलोम करना, उसके बाद भस्त्रिका करना, उसके बाद नहीं, योग का मतलब ही था भक्ति भाव में जाकर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। आप अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ अच्छा ठीक है ठीक है। वो रहे थे। मुझे बाबा रामदेव का वो जो वो करते हैं, बड़ी बड़ी जोर की हंसी आती है। खैर खैर, हम लोग वापिस सब्जेक्ट पे लौट। मैं, हाँ मैंने, हरे कृष्णा, मैंने अब एक बार हरे बोल कृष्ण के से ना, एक पूछो। बार बोल के आप लोग म्यूट कर लीजिए, तो क्यों मैं बोलूंगा तो फिर सबको याद आएगा। तो मैं हरे मनोज कृष्ण प्रभु, प्रभु मैं जी। आपको म्यूट कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, फिर म्यूट कर लीजिए। तो मैंने कल अनुलोम विलोम भस्त्रिका ये सब पे नहीं बोला था, मैं क्या बोला था, योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, किसको किससे जोड़ना, जो चीज भटक गया हो, हम ये दो चीज अलग हो गया हो उसको जोड़ना। तो कौन कौन सा चीज अलग हो गया है, ये जो आत्मा स्वरूप जो है ये भगवान से अलग हो गया है। तो हम सब लोगों को अपना, सबसे पहले हमने बात की थी कर्म कांड के बारे में, कर्म कांड के बारे में क्या हुआ था कि वो भी ठीक है, पशु जीवन से कम कर्म कांड ठीक है। आजकल ज्यादातर लोग, 99% से ज्यादा लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, पशु जीवन जी रहे हैं, कुछ भी खाते हैं, रात को सोना है रात को जागरण करते हैं, निशाचर के जैसा, सुबह में जागना है सुबह में सो जाते हैं। कल मैंने फोन किया अपने सुपुत्र को, तो वो भी मतलब एमबीए कर रहे हैं, उनको भी शौक हुआ एमबीए करने का। तो एमबीए का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ओ अच्छा, उसका एमबीए का फुल फॉर्म है महाभयंकर असुर। मैं बोला पक्का असुर बन गए, सुबह में 4 बजे सोते हो, जब मैं मंगल आरती की तैयारी करता हूं। मैं बोला असुर का काम है रात को जागना सुबह में सो जाना, इसलिए मैंने एमबीए का फुल फॉर्म, कृपया क्षमा कर दीजिएगा, मैं प्रभु ने आपने सही डेफिनेशन दिया था, लेकिन मैं आपको आज के परिवेश में बता रहा हूं, महाभयंकर सर असुर। अब और उसके बाद हमारे घर में किसी ने कहा कि मुझे पीएचडी करना है, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, अब कोई नहीं बोलेगा, तो बोलिए कोई बात नहीं, बोलिए पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, एक्चुअल फुल फॉर्म बताइए,
शर्माइए नहीं, बोलिए, फिर मैं अपना फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अच्छा, वेरी गुड। मैंने बोला जो पीएचडी करता है परमानेंट हेड डैमेज, जिसको देखिए पीएचडी किया वो अनर्गल बात करेगा, उसको लगेगा कि मैं प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ गया हूं, धरती पे हूं ही नहीं। तो मैंने अपने पुत्र से कहा कि क्या करती हुई है इस सुबह का समय? तो बोले क्या करे, रात को सीनियर्स लोग बुलाकर और हम सब लोग को काम करने के लिए जो है, अब IIM IIT इस सब में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर मालूम नहीं चलता है कि बच्चा जो है क्या करे। मैंने कहा कि इस तरीके का चीज में आप लोग पढ़ाई कर रहे, रात को कम से कम विश्राम तो करिए। तो बोला कि क्या करेंगे, कोर्स करिकुलम ऐसा है, रात को 11 बजे पढ़ाने के लिए रूम में बुला लेते हैं, मतलब रूम इन द सेंस क्लासरूम, और प्रोफेसर भी ऐसे जबरदस्त। बताइए, जो MBA किया वो भी महाभयंकर असुर, और जो करके निकलेंगे वो भी महाभयंकर असुर। खैर, हम सब लोग चर्चा के दरमियान ये चीज तो हम सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग असुर जीवन से बेहतर है कर्मकांड। कर्मकांड से हम लोग कर्मकांड में क्या होता है कि हम लोग को शास्त्र के अनुसार हम लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन फल की हम सब लोगों को क्या होता है, हम देवी देवता का पूजा करते हैं और उनका आह्वान करके उनसे ये दे दो वो दे दो ऐसा दे दो वैसा, वो प्लेटफॉर्म पे। तो कर्मकांड जब करते करते हम लोग को एक दिन अनुभूति होती है तो हम सब लोग कर्मयोग में चले जाते हैं। कर्मयोग में कितने प्रकार के हैं? सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, सकाम पहले होता है, निष्काम बाद में। तो सकाम करने का मतलब फल की अपने प्राप्ति करने की इच्छा, निष्काम में क्या है कि फल जो है हम यज्ञ कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल जो है हम अपने लिए प्राप्त नहीं करते हैं। तो जब इतना ज्ञान होता है तो उसके बाद हम लोग ज्ञान योग में चले जाते हैं। ज्ञान योग में भौतिक चीजों से हमारा पूर्णता जो है सेपरेशन हो जाता है, हम भौतिक चीजों से हमारा अलगाव हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या कहा था, ज्ञान योग के बाद हम आगे की जर्नी करते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में उल्टा सीधा नीचे दाएं बाएं नहीं, मतलब कि अष्टांग योग में अष्ट चीजों का बताया गया है, नियम विनम आहार और बहुत सारी, और ये सब चीजों को लेकर अंत में अष्टांग योग से हम लोगों ने कहा एक समय आने के बाद हमको चतुर्भुज भगवान का दर्शन, उसके पहले पहले ब्रह्म ज्योत बाद में चतुर्भुज भगवान का दर्शन करना, और अंत में अष्टांग युग से हम भक्ति योग में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हम भक्ति योग में क्या होता है, भगवान के नित्य लीलाओं में प्रवेश, भगवान का नित्य दिन सेवा करना, और हमारा जो है भक्ति में जीवन जो है हमें परमानंद के परिस्थिति, मतलब परमानंद की जो स्थिति है उसमें ले जाता है। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने योगा प्लेटफॉर्म पढ़ा था, और कर्म को हम लोगों ने कल त्याग करने की बात की थी, और अंत में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, काम काम क्रोध। का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो काम के ऊपर में हम सब लोगों को कैसे हम लोग उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, कल आप लोगों को काम रूपी के ऊपर में कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि काम जो है हम सब लोग, अच्छा काम क्यों होता है, हमारे अंदर में काम की भावना क्यों होती है, इच्छा कल से बताए? ये हमारी इच्छाएं बढ़ती चली नहीं, जाती हैं। नहीं 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 नहीं, हम सब लोग आत्मा शरीर धारण करता है त्रिगुण के प्रभाव से। कौन सा त्रिगुण है, त्रिगुण कौन कौन सा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ याद रखिएगा, काम का, और काम काम किस किस को प्रभावित करता है, तीन चीजों को प्रभावित करता है, कल आप लोग लिखते जाइए ये सब चीजें, इंद्रिया, मन आप और बुद्धि। मन बुद्धि अहंकार। इंद्रिया, हाँ इंद्रिया, पहले इंद्रिया उसके मन बाद, और बुद्धि। वेरी गुड, ये यही चीज, इंद्रिया मन और बुद्धि। तो फिर हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, काम के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों के ऊपर में काबू प्राप्त का करना चाहिए। ठीक है, और 4.4 पॉइंट प्रोग्राम, हम सब लोगों ने 4 श्लोक भी देखा था, 3-4 श्लोक अंत में देखा था, और 4 पॉइंट प्रोग्राम इस्कॉन में हमारे श्री प्रभुपाद ने दिया था।
तो हम सब लोग नर्सरी में गए थे, क्या क्या पढ़े थे, ए बी सी डी। एबीसीडी। मैं भी बचपन में एबीसीडी पढ़ा। मैं बोला कि हम माता जी प्रभु जी लोग को भी एबीसीडी फिर से हम पढ़ाते हैं, तो ठीक है एबीसीडी पढ़ा है। ए से एसोसिएशन, एसोसिएशन, बुक्स, बी से शास्त्र। बुक्स, ये दूसरे को उमेश प्रभु दूसरे को भी बोलने दीजिए, आप जान रहे हैं, आप लिख रहे हैं। अच्छा बी से बुक्स, बुक्स 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 मतलब शास्त्र पढ़ना, बुक्स कुछ भी पढ़ना नहीं, बुक्स वो पढ़ना जो हमको ज्ञान रूपी संचय जो हमारे इंद्रियों के ऊपर काबू पाने में सहायता हो उसको पढ़ना। और हम पढ़ेंगे अगर खतरनाक खतरनाक किताबें, आजकल ऑथर लोग भी ऐसे ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि मन जो है संयोजित होने के जगह पे वो पूर्ण रूप से मतलब विभाजित हो जाते हैं और इतना विकसित होते हैं कि बाद में कंट्रोल नहीं होते हैं, और बाद में हम सब लोग को आगरा या फिर कांके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आगरा में क्या है, पागल मेंटल का हॉस्पिटल। तो ऐसा चीज नहीं पढ़ना है हमको, वो शास्त्र पढ़ना है जिससे कि हमारी सद्बुद्धि हो, ज्ञान प्राप्त हो और अपने इंद्रियों के ऊपर भी हम लोग विजय प्राप्त कर सके। सी क्या करेंगे, चैंटिंग। भगवान के शुद्ध। अब चैंटिंग हमको कोई बोल देगा कि चैंटिंग करिए। अच्छा अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग है ना, आप लोग को अच्छा ओके पूजा माता जी आप ज्वाइन किए, कल आप शायद व्यस्त थे इस कारण आप नहीं ज्वाइन कर पाए। जी प्रभु जी, कल मैं सो गया, कल अच्छा ठीक है, पति की सेवा में लग अच्छा गया। अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। श्रुति मा हाँ श्रुति माता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। आई मीन एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी अभी क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया हूं। डांस हैं करना हैं क्या पड़ेगा, क्या डांस क्या करना पसंद है, डांस करना नृत्य, पसंद है, नृत्य नहीं समझ में आ रहा है मुझे। करना, हैं डांस करना। नृत्य करना, अच्छा, जी नृत्य करना है तो नृत्य करने के लिए कुछ, अच्छा मान लिया जाए कि कुछ शब्दों का आपको कुछ शब्द ऐसा बोल दिया जाए कि जो कि आपको बोल दिया जाएगा लगातार आप उसका नाम लेते रहिए, कुछ ऐसा चीज आप लगातार नाम लेते रहेंगे, आपको थोड़े देर के बाद आपको लगेगा मैं क्या नाम ले रहा हूं। लेकिन ये चैंटिंग जो है ये भगवान के नाम का है, इसको जितना ज्यादा लेंगे, जितनी बार उसको आप अपने मुख से एक निकलेंगे, सेकंड, उतना उतनी ज्यादा आपकी शुद्धि होगी, उतनी ज्यादा शुद्धि होगी। और अंत में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की बात की थी, डी, डी का मतलब डाइट। डाइट मतलब प्रसादम। प्रसादम खाने के लिए किसको, अच्छा कौन कौन आदमी है जो हाथ उठाए जिसको प्रसादम अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं उठाया, कोई नहीं उठाया, 100% मेरे जैसा ही, सब लोग मेरे जैसे ही हैं, सबको प्रसादम पहले, मैं जाता हूँ अच्छा वैसे मैं सेंटर पे कभी जाते हैं तो सबसे पहले मैं उसके किचन में है, प्रभु जी आज क्या प्रसाद बन रहा है, तो भगवान के लिए आज क्या प्रसाद बन रहा है सबसे पहले जाके पूछता हूँ। तो इसलिए कि प्रसाद जो है भगवान का प्रसाद जो है अपने आप में उतना ही पोटेंसी है, पोटेंसी मतलब उतना ही उसके अंदर में ताकत है जो मनुष्य को हर हर तरह के कलमशों से निकालते हैं। प्रसाद खाने का प्रभाव बहुत ज्यादा है, मैं आप सब लोग को ये चीज बताना इसलिए चाहता हूं कि जीवन में जब भी प्रयास करिए, कोशिश करिए कि आप जो है प्रसाद खाए। डॉक्टर श्रीपद कुमार, श्रीपद कुमार प्रभु जी आपका मेरे ख्याल से आप सत्र में पहली बार आए हैं तो आपका मैं अभिनंदन करता हूं, और हम सब लोग इन चार चीजों को हम सब लोगों ने देखा, कल हम सब लोगों ने इसके ऊपर में चर्चा की, और आज का जो सत्र है वो इम्पोर्टेंट सत्र है जिसको हम सब लोगों ने जानने का प्रयास करेंगे। आज जो है फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है, कल मैंने दिव्य आपको ज्ञान, दिव्य दिव्य ज्ञान, ज्ञान, दिव्य ज्ञान। अच्छा ये दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तो हम सब लोगों ने कहा, ये दिव्य ज्ञान क्या है,
अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन को धीरे 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 करके एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे, तो क्या बोलते हैं, तो पहला श्लोक जो है इसका, इस दिव्य ज्ञान का, और हाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब लोगों का जब दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन काम है, तो तीन चीज भगवान कहते हैं, तीन चीज, जिसमें तीन चीज में क्या कहते हैं कि हम सब लोगों को, क्योंकि काम हमारे, जैसे माता जी ने, अश्वमा माता जी ने बोला, काम जो है इंद्रिय, इंद्री मन और बुद्धि को कैप्चर करके रखता है, तो हम सब लोगों को कैसे इस पर विजय प्राप्त करना है, और ये मन और बुद्धि जो मुश्किल घड़ियों में, बिकॉज इंद्रियों की वजह से ही उसका सब कुछ भ्रमित होता है, तो उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, तो इंद्रियों को रेगुलेट करना है, और बुद्धि को, और ये जो जो रेगुलेशन है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सॉल्यूशन चाहिए ना, तो हम सब लोगों ने अभी बात की शुद्धि का, हम सब लोग ये जो है अंततः दिव्य ज्ञान के द्वारा ही होगा, तो आज हम लोग वही दिव्य ज्ञान के बारे में हम लोग सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला भगवान क्या बोलते, भगवान वाचा एवं विश्वस एवं विश्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मुनि विवस्वान मनवे प्रहा मनो इच्छा वाक्य अब्रवीत। तो पहला श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले, सॉरी मैं आप लोग को प्रेजेंटेशन भी चालू करता हूं, तो आप सब लोग को उसको थोड़ा देखकर करते हैं। आप सब लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, ये तो ज्ञान योग, हाँ ज्ञान है ज्ञान योग। जी। तो हम सब लोगों ने अभी पढ़ा श्री भगवान वाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्मान अवे प्राह मनोरिच्छवक् प्रवृत्त। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इच्छावाकु को दिया। अगर आप चित्र देखेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने किसको दिया, सूर्य देवता, जिस सूर्य देवता जिनका, सूर्य हाँ जिनका नाम विवस्वान है, देवता देव का भी नाम होता है विवस्वान जो है, आज इस मन्वंतर में विवस्वान जो है सूर्य देव, उसके बाद सूर्य देव ने किसको दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मनु को दिया, और मनु ने फिर बाद में, मनु ने बाद में इच्छा फिर, वाक्य दिया। हाँ मनोर इच्छावाकु ब्रवीत, मतलब इच्छावाकु को दिया। इच्छावाकु कौन है, हरे कृष्णा, मनु महाराज के पुत्र। हाँ वो तो आपने बोला, लेकिन कहने का मतलब है कि इक्ष्वाकु वंश जो है बड़ी प्रसिद्ध है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है इसी 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 कुल में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश। तो भगवत गीता का फिर जो दूसरा जो श्लोक है, ये कहते हैं ये, अब ये जो ज्ञान है, भगवान ने ये ज्ञान किस तरीके से दिया था, भगवान ने इस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान सुनकर आप जब स्कूल जाते हैं तो टीचर आपको बोलते हैं, टीचर सामने रह के वही बताते हैं ना, है कि नहीं, तो भगवान को क्या वो क्या ये ज्ञान जो है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षो विदु सकाले नह महता योगो नष्टा परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल कर्म के, मतलब समय के साथ, मर समय के साथ ये परंपरा छिन्न हो गया, अंततः ये विज्ञान यथा रूप से लुप्त हो गया। लुप्त और लुप्त क्यों हुआ, मैं अभी आप लोग को बता, ये भगवान किस किस युग में बोल रहे हैं, कितने कितने युग होते हैं, हरे चार कृष्णा, चार है चार युग चार युग चार होते हैं। अच्छा, और हम लोग किस युग में है अभी, कलयुग है कलयुग कलयुग, कलयुग
कली, हाँ कली, कली युग तो कलयुग बोलते हैं ऐसा, कली अच्छा कलयुग का मीनिंग आप लोगों को मालूम है? मैंने तो बहुत सारा डेफिनेशंस दिया है ना अभी आप लोग। कली ऐसे हम लोग, हमारे गुरु और हम सब लोग बोलते हैं कली युग का मतलब कलह युग। जब देखिए आप सब लोग ऑब्जर्व किए हैं, जब देखिए घर में ऑफिस में जिधर जाइए उधर कलह होता है, कान में होता लगा है। तो इससे युग का नाम ही है कलह ही, कलयुग। कल कलयुग से युग पहले क्या है? त्रेता युग द्वापर, द्वापर द्वापर युग युग। द्वापर युग द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले त्रेता युग सतयुग। सतयुग तो सतयुग सतयुग में भगवान, युग की शुरुआत हुई तो विवस्वान जो है सूर्य देव, पहले कृष्ण ने बोला, कृष्ण भगवान ने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किसको दिया? मानवता के, हाँ मन पुरजो जो कहते मनु। मनु के बाद मनु ने किसको दिया? ईश्वर हाँ ईश्वर तो इस तरीके से ये तो वो सतयुग से लेकर आगे आगे जैसे जैसे समय ज्यादा है तो क्या क्या हो कि काल काल मतलब समय के साथ में ये ज्ञान जो है वो अवरुद्ध हो गया, रुक गया। तो फिर अभी उस ज्ञान को भगवान जो है आगे है आगे बताते हैं। अब देखिए ये जो है आप सब लोग के सामने में मैंने एक ये चित्र रखा है। ये एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भगवान श्री कृष्ण गोलोक से बाद में आप देखिएगा कमल के फूल में ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद नारद जी, ब्रह्मा और इस तरीके से नारद के पास अगर देखिए अब और यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे व्यास देव, और इस तरीके से परंपरा में आते हुए अगर इधर में आएंगे तो चैतन्य महाप्रभु, फिर भगवान फिर से प्रकट होते हैं। इसलिए देखिए सब लोगों के साथ में नाम और कुछ नहीं रखा, जैसे माधवेंद्रपुरी है, ईश्वर चंद्रपुरी है, ईश्वरपुरी लॉर्ड चैतन्य मतलब कृष्ण भगवान खुद प्रकट हुए हैं, उनके गुरु थे ईश्वरपुरी, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा चालू है। भगवान भी आए हैं तो उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली है, उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु को बाद रूप सनातन गोस्वामी है, फिर रघुनाथ जीव गोस्वामी है, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, और इस तरीके से गुरु परंपरा जो आगे की ओर चल रहा है। हाँ फिर भक्ति हमारे गुरु परंपरा में हम लोग नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद, और भक्ति वेदांत श्री स्वामी प्रभुपाद, और मेरे भी जो गुरु हैं उनका भक्ति राघव स्वामी महाराज जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है। तो पर कैसे आपके मेरे, अभी ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि ये बताइए आप तो कह रहे हैं कि आपने ज्ञान दिया, अब भगवान जो है अपने बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक कृष्ण को अर्जुन अपने मित्र मानते थे, ठीक है मित्र मानते थे, सखा मानते थे, अभी युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या माने? गुरु हाँ गुरु माने, अब गुरु माने हैं, अब भगवान अपनी थोड़ी ऐश्वर्य, थोड़ी ऐश्वर्य ऐसा पूरा ऐश्वर्य 7th to 12th चैप्टर जब रहेगा ना, 7 to 12 चैप्टर में हम लोग उन भगवान का पूरा ऐश्वर्य को जानेंगे। अभी भगवान थोड़ा सा अर्जुन को डोज देते हैं अपने बारे में, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि सूर्य तो आपसे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मतलब बड़े, फिर बड़ा आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? प्रश्न उठता है ना, प्रश्न अर्जुन, देखिए गीता पूरा प्रश्न और ये संवाद है, ठीक है भगवान ने 574 श्लोक उन्होंने बताया है, लेकिन संवाद है, इसमें अर्जुन पूछते हैं। उसी तरीके से हम सब लोग जब तक गीता में पढ़ते हैं और पढ़कर हमारा संवाद नहीं होता है, हम जानने का कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को गीता का ज्ञान प्राप्त होने में मतलब परेशानी, हम सब लोगों को, और इसमें बताया जाएगा कि कैसे हम सब लोग को गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अब ये प्रश्न को सुनकर भगवान जो है अब थोड़ा सा अपना बताते हैं कि भगवान है कौन। भगवान कहते हैं कि
अब भगवान जो है बताते हैं। देखिए भगवान के बारे में बताने से पहले मैं, आप सब लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, हाँ जी ब्रह्मा जी की आयु, जी मैं चार्ट दिखाने से पहले पूछता हूँ, ये बताइए ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी? चलिए ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? एक दिन, हमारा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 चौबीस घंटे अब, और ब्रह्मा जी का एक दिन में एक एक साल युग, नहीं, एक एक वर्ष कोई एक युग एक बोला कोई कुछ, अच्छा ब्रह्मा जी का एक दिन में, 1000 युग भर हाँ उमेश प्रभु जी तो बता बोलिए। दिए, एक 1000 दिव्य युग होता है, 1000 दिव्य युग ही नहीं 14 मन्वंतर होता है, और ये ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। आप लोगों का दिमाग इधर से उधर ना जाए, मैं शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है उमेश प्रभु, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 दिव्य युग। नहीं, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है, 100 ईयर्स है, तो एक दिन पर वो जी, हाँ 100 साल होता है उनका। उनका भी 100 साल है, हमारा, हम लोग का भी मान के चलते हैं। कलयुग में मनुष्य का उम्र 100 है, द्वापर युग में 1000 था, त्रेता युग में 10000 था, 10 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सतयुग में 1 लाख साल। तो ठीक है, नहीं, मैं अभी जल्दी आपको छोड़ेंगे। ये थोड़ा ज्ञान का चीज है, ये सब आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा राम बिकॉज भगवान 1000 साल जिए। हाँ, भगवान, राम कौन भगवान जी 1000 साल? जी, हरे कृष्णा माता जी बोल रहे थे 1000 हरे को। कृष्ण। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरा भाई पूछ रहा था ना, तो राम भगवान कितने साल जिए थे, तो मैंने उनका आंसर दिया। भगवान राम जो है लगभग लगभग 10000 साल रहे। 10 हजार। और मेरा भाई बगल से पूछ रहा है, तो कान्हा जी ठाकुर जी तो 125 साल ही जिए, तो आपने भी बोला था ना इतने साल, 1000 साल जी। हाँ नहीं, कान्हा जी, कृष्ण भगवान जो है द्वापर युग के अंत में आए थे, और उन्होंने एक 125 साल तकरीबन कुछ 8 9 महीने और कुछ दिन, इतने दिन तक रहे हैं। तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार वो अपना भगवान आते हैं। तो ठीक है, अभी, हाँ अभी म्यूट कर लीजिए, अभी देखिए ये है ब्रह्मा जी का लाइफ ऑफ ब्रह्मा जी, 311 ट्रिलियन ईयर्स, 36000 कल्प। मैंने एक कल्प के बारे में बताया था, एक कल्प में 1000 दिव्य युग, और एक युग की परिधि कितना, मतलब टोटल एक युग में कितना साल होता है हरे कृष्णा? एक युग में 4,32,000 साल होता है, और एक कल्प जो होता है ब्रह्मा जी का, देखिए नीचे में कल्प लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4,32,000 ईयर, 4,32,000 बिलियन ईयर, उसमें 14 मन्वंतर और 15 संध्या होता है, और इसमें जो नाइट और डे, ये मैं हम लोग जो डे का बात कर रहे हैं, खाली डे मतलब 12 घंटा, और 12 घंटा नाइट भी तो होगा, ब्रह्मा जी फिर सोते भी तो हैं। इस तरीके से हम कल्प, कल्प में मन्वंतर और फिर मन्वंतर का दिव्य युग, तो ब्रह्मा जी का जो जीवन है, ब्रह्मा जी का 50, हाँ ये प्रश्न मैंने आप लोग को दिया, ब्रह्मा जी अभी कितने साल के हैं? आप लोगों ने देख लिया नहीं? 50 साल। 50 साल है, ठीक है, 50 साल ब्रह्मा जी के हो चुके हैं, और ब्रह्मा जी का भी 50 साल और बाकी है। जब ब्रह्मा जी का 50 साल हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्रह्मा जी कौन बनने वाले हैं? ब्रह्मा जी भी एक पोजीशन है, उसको ऑक्युपाई किया जाता है, और नेक्स्ट ब्रह्मा जी कौन है? नेक्स्ट ब्रह्मा जी कौन है? नेक्स्ट ब्रह्मा जी, हनुमान जी प्रभु जी, हाँ हनुमान जी, हनुमान जी को नेक्स्ट ब्रह्मा जी का पोजीशन मिलेगा, हनुमान जी भी है। तो हम सब लोग अभी इस वक्त में सातवें, हम लोग वैवस्वत मन्वंतर, वैवस्वत मन्वंतर जो है उसमें है, और हम लोग 28th साइकिल में चल रहे हैं। और अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 दिव्य युग में एक ही बार कृष्ण आते हैं और एक ही बार महाप्रभु आते हैं, हरे कृष्णा
मतलब आप सभी लोग फिर से भाग्यशाली है जो इस जस्ट खाल ज्यादा नहीं तकरीबन 5,000 साल पहले भगवान की लीलाएं हुई, और ज्यादा नहीं सिर्फ 500 साल पहले, 520-25 साल या 540-50-40 साल पहले एक और चैतन्य भगवान की लीला हुई। कौन से? चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु कैसे? लीला हुई है। भगवान का प्राकट्य 1486 में नवद्वीप में हुआ था, 1486, और आज का समय 2023, तो हम सब लोग 514 प्लस 23 करीब 537 साल पहले भगवान का प्रकट हुआ। तो हम सब लोग, और ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण और एक बार महाप्रभु आते हैं। फिर आप लोग को प्रश्न पूछना चाहिए, भगवान प्रभु जी आपने तो बताया 1,000 दिव्य युग, फिर बताया 14 मनमंत्र, 14 मनमंत्र में भी फिर आपने बताया कि जो सतयुग रिपीट होता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसा करके तो ये दिव्य युग बनता है ना। 1,000 दिव्य युग का मतलब क्या होता है? वो दिव्य युग में सतयुग भी है, द्वापर युग भी है, त्रेता युग भी है, और कलयुग भी है। तो फिर आप सब लोग को पूछना चाहिए कि फिर द्वापर युग में कौन आए, कलयुग में कौन आए। तो हर युग में भगवान का कोई ना कोई स्वरूप नारायण के स्वरूप में आते हैं, और जब नारायण के स्वरूप में आते हैं तो महाप्रभु कौन सा रूप में आते हैं? गौर नारायण के रूप में आते हैं। इस युग में गौरंग प्रभु के रूप में आए, वो साक्षात कृष्ण है, मूल स्वरूप भगवान अपने मूल स्वरूप में आए। इसलिए हम सब लोग जो 28th साइकिल ऑफ मनमंत्र में, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली। ठीक है, मैं अभी अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर और मनु के जीवन के बारे में भी बताया गया है कि उनको 4 युग में 27 मनु जो होते हैं वो, उनका भी एक आयु है, और एक एक मनवंतर के जो इंचार्ज होते हैं एक मनु होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया 14 मनवंतर, अभी मैंने बोला ना कि अभी अभी हम लोग कौन से मनु हैं, अभी हम लोग वैभव वैवस्वत मनु है, वैवस्वत मनु है। और गीता को अभी अगर, अब लास्ट का सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, हमने सभी से बात करने के बाद 120.533 मिलियन ईयर्स पहले, तो यह स्वीकार करते हुए मनु के जन्म से पहले गीता का भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को बताई थी। तो गीता तकरीबन 1,200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। गीता धरती पे आई त्रेता युग की शुरुआत में भगवान इस विज्ञान को विवस्वान को मनु तक पहुंचा। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, और इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे रघुवंश। मतलब मैंने आप लोग कहा था रघुवंश कौन है? रघुवंश, रघु के वंश के पूर्वज, मतलब भगवान राम के पूर्वज थे, और भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से ही अस्तित्व में है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया था तो गीता अभी आकर 5,000 साल पहले गीता का प्राकट्य हुआ, ऐसा नहीं था। त्रेता द्वापर युग के बारे में अभी यहाँ पे सब, गीता पृथ्वी पर 20 लाख, अभी उसके पहले वो तो अभी 20 लाख साल पहले इस समय पे प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी का देखिए एक दिन का दिया है कितना, काउंट करने करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आप लोग के मतलब 8 अरब 64 करोड़, एक लाख साल। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, बस खाली इतना ही सोचिए, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड अगर 1 लाख साल है तो ऊपर का छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं ब्रह्मा जी का 1 दिन। ब्रह्मा जी का 1 दिन यहाँ पर जो दिया है वो एक्चुअली में, अगर आप 1,000 दिव्य युग और मल्टीप्लाइड बाई 4,32,000 दिन हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही ये फिगर आया हुआ है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, 1,000 दिव्य युग, एक युग का जो पीरियड है 4,32,000 ईयर्स, 1,000 × 4,32,000 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2,
वो इतना इक्विवेलेंट है ब्रह्मा जी का एक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का अवतरण कैसे अब होता है कि भगवान जो है इन सब चीजों को अब अर्जुन को क्या बोलते हैं, तो वो अर्जुन को अब वो समझा रहे हैं भगवान अपना, जैसे कि हम सब लोग ज्ञान के जी जो ज्ञान जो दिया जा रहा है, तो अब अर्जुन को भगवान थोड़ा सा अपना बताने का प्रयास कर कि मैं, हरे की रहा है तो कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे नाम 12,000 रुपये बेफालतू की लिख रखी है, बारह म्यूट हजार रुपया बेफालतू की लिख रखी है, कर, अजय प्रभु म्यूट कर लीजिए। जिंदगी में फालतू हरे में लिख कृष्ण रखे हैं। मन हरे कृष्ण। की आ जाओ जी, गेट पे हिसाब आ जाओ करने के लिए आ जाओ आ जाओ, कहाँ से कोई कैसे चीज। है। ओके, तो अब भगवान जो है बोलते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। अर्जुन को कहते हैं कि कितने जन्म मेरे और तुम्हारे हो चुके हैं, कितने जन्म मेरे तुम्हारे हो चुके हैं, लेकिन मुझे हर जन्म, भगवान कहते हैं कि मुझे हर जन्म के बारे में याद है, लेकिन तुम्हें इस जीवन में इस पूर्व जन्म का तुम्हें याद नहीं है। इन यहां तक कि भगवान कहते हैं कि मैं और तुम इसके पहले नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम नर थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण बोल का एक एक स्वरूप पहले भी आ चुका है, नर और नारायण के रूप। तो बोले कि हम लोग दोनों, लेकिन तुम्हें याद नहीं। और फिर भगवान कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। अब ये बताइए भगवान का जो शरीर है और हमारे शरीर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना, भाई कोई अंतर नहीं है। भगवान के हाथ लंबे रहते हैं, मतलब अच्छा, उनके उनकी हमारा भुजाएं लंबी शरीर रहती हैं। नरसिंह प्रभु जी। अजात बाहु, अच्छा ठीक है। अब हाँ, अभी अब मैं बोलता हूं, आप लोग म्यूट कर लीजिए। भगवान और हमारे में यह अंतर है कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूत से बना हुआ, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार, भगवान का शरीर जो है इन कुछ चीजों से नहीं बना हुआ है। भगवान का शरीर एकदम सजल, जिस तरीके से वो गोलोक वृंदावन में जैसा उनका शरीर होता है, उसी प्रकार का शरीर भगवान का, जो शरीर का जो तत्व है वो हमारे से अलग होता है, लेकिन जीवात्मा जो 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 आत्मा हमारे अंदर में है, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो मतलब ये कहा जा सकता है कि भगवान के, भगवान से क्योंकि हम प्रकट हुए हैं जीवात्मा, तो हमारा और उनका एक ही जैसा क्वालिटी होता है। जैसे समुद्र का पानी अगर आप एक चम्मच में ले और समुद्र का पानी जो सामने में है, उसमें कोई फर्क है? नहीं प्रभु जी, हाँ फर्क है, लेकिन फर्क है, फर्क नहीं है सेम फिर भी फर्क है। समुद्र का पानी का टेस्ट खारा ही रहेगा, चाहे चम्मच में लीजिए या फिर आप समुद्र में गिलास डाल के पीजिए, लेकिन समुद्र जो है वो विभू है, बहुत बड़ा है। और समुद्र का जो एक चम्मच में पानी चार पांच बूंद लेते हैं, उसका आकार अणु के रूप है, मतलब एक एक मतलब छोटा सा स्वरूप है। एक उसी तरीके से भगवान और भगवान के हमारे जो अंदर की आत्मा है, उसका एक ही क्वालिटी एक है, लेकिन हम सब लोग डिफाइन करेंगे क्वांटिटी के टर्म्स में, तो भगवान विभू है, हम अणु। ठीक है, तो भगवान कहते हैं दूसरे शब्द में कि यहां पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंग शक्ति, वे अपने आद्य शरीर से प्रकट होते हैं, अपना जो शरीर है वही लेके, और भगवान इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप से दोनों भुजाओं, जैसे भगवान कृष्ण जो है प्रकट अभी आप सामने में देख रहे हैं, तो भगवान पहली बार जब प्रकट हुए थे तो वसुदेव जी को और देवकी को उन्होंने कैसा स्वरूप दिखाया था? अपना चतुर्भुज, चार चतुर्भुज चतुर्भुज दिखाया था, चतुर्भुज चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, तो इन लोग मतलब विस्मित थे।
फिर उसके बाद भगवान ने कैसा स्वरूप रखा? बच्चे बन बाल्यावस्था बाल वो छोटे से हमारे कृष्ण नीचे में आए। एक्चुअली में गोलोक वृंदावन में भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, द्विभुजा रूप में ही है भगवान। भगवान श्री कृष्ण जो है, जो उनका जो स्वरूप गोलोक में है वो द्विभुज में ही है और इसी रूप में है। लेकिन भगवान अपना शरीर को मतलब माता देवी की या यशोदा मैया को खुशी देने के लिए अपना छोटा सा बाल रूप लेके धारण करते हैं। भगवान की उम्र कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भगवान को हम सब लोगों ने बहुत चित्र देखा होगा, किसी में भगवान का आप लोगों ने देखा है कि मतलब भगवान बूढ़े हो गए हो या भगवान का कुछ ऐसा हो गया है, चेहरा मोरा कुछ बदल गया है? जब नहीं युवा भगवान युवावस्था में आते हैं तो युवा अवस्था में ही रह जाते हैं। तो भगवान की उम्र जो है वो गोलोक में हो चाहे जब वो किसी और लोक में भी जाते रहते, तो उनकी उम्र का जो स्वरूप है वो 16 साल के युवा अवस्था का ही रूप रहता है। ठीक है, लेकिन फिर लेकिन अपनी लीला करने के लिए भगवान जब प्रकट होते हैं तो छोटे स्वरूप में हो जाते हैं, बाल स्वरूप होता है, पौगंड होता है, इस तरह का उनका अपना अपना जो है। लेकिन 16 साल के बाद भगवान की आयु नहीं बढ़ती। ठीक है, अब कृष्ण का अवतरण कब होगा? तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। दो श्लोक बहुत फेमस है, पी आर चोपड़ा जी ने इसको मैं काल हूं समय हूं उसके बाद ये जो है श्लोक हमेशा था। हे भगवान बोलते हैं मेरे आने का हे भरतवंशी अर्जुन, मैं जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म का जब प्रधानता होता, अधर्म का जब प्रधानता होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। फिर भगवान कहते हैं और अवतर और कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? तो बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संतापनार्थाय संभवानी युगे युगे। भक्तों का उद्धार, तीन चीजें, परित्राणाय साधु नाम मतलब भक्तों का उद्धार करने के लिए, साधुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो उनका रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाशाय च दुष्ट कृताम दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्था अपनर्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान ऐसा अनेक अनुचर जो असुरों का संहार करने के लिए कहते हैं कि भगवान असुर जब भी कोई असुर के रूप में, असुर इसलिए बोला जाता है कि वो निष्काम भक्तों को बहुत बार वो त्रस्त करते हैं और जब असुर भक्त को तंग करते हैं भले ही उसका क्यों ना हो सकता है कोई संबंध ही। प्रहलाद महाराज के पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप और अपने पुत्र को इतनी मतलब उत्पीड़न दिए, क्या क्या नहीं किए, काले सांपों के बेड़े में, हाथियों पागल हाथियों के झुंड में, अग्नि में प्रवेश करा, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिए, समुद्र में पत्थर बांध कर नीचे डाल दिए। लेकिन भगवान फिर प्रकट होते हैं किस रूप में? नरसिंह देव रूप में, अपने भक्त के लिए भगवान खुद प्रकट होते हैं। हो सकता है कंस कौन थे? कृष्ण के मामा मामा थे और उन्होंने और मामा होकर अपने भांजे के मतलब अपनी बहन माता देवकी के साथ वो अत्याचार करते रहे। तो अब उसके बाद कृष्ण आपको हम सब लोग को कृष्ण को जानने से क्या लाभ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म कर्म चामे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त देह पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है और वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त तो होता है। तो भगवान ये कहते हैं अर्जुन से, जन्म कर्म चामे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरे बारे में जानता है और जो मेरे दिव्य प्रकृति के बारे में जान जाता है और जो मेरे उस जो ज्ञान प्राप्त करके मेरे ऊपर जिसका ध्यान केंद्रित होता है वो भौतिक संसार में फिर से वापस नहीं आता है। कृष्ण और हमारे बीच में अंतर बताया जाता है, जो हम अभी आपसे बात करें, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा रूप
स्थाई आस्था। स्थाई हाँ, हम माया द्वारा नियंत्रित हैं, कृष्ण माया माया के नियंत्रक। नियंत्रित। अगर आप चित्र को देखेंगे तो भगवान ऊपर में, और तीन, ये जो आप तीन कठपुत, देखिए हम नीचे कठपुतली वाला, जो आप सब लोग कठपुतली का खेल देखे होंगे, ये तीन जो कन्याएं हैं ये एक्चुअली में कौन है? ये माया देवी माया देवी के तीनों सतो रजो तमो गुण का यहाँ पर त्रिगुण का दिखाया गया है, ठीक है। फिर हम सब लोग आगे देखिए, अब भगवान के, ये यथा माम प्रपदंते तासो तैव बजाम्य हम मन मम वर्ता मनो अवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण का परम स्वामी के रूप में, अगर मान लिया जाए कि हम उनको सखा के रूप में देखते हैं, पांच तरह के जो है हम सब लोग कृष्ण के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। हरे कृष्णा, पांच तरह के हम लोग संबंध कृष्ण के साथ में स्थापित होता है। पहला होता है शांत रस में, दूसरा होता है दास्य रस में, तीसरा होता है साख्य रस में, चौथा होता है वात्सल्य रस में, और पांचवा होता है माधुर्य रस। ठीक है, आप सब लोग को याद हो गया, कोई लिखा कि नहीं? नहीं प्रदेश हाँ पर अभी लिखा, आपने फिर जल्दी से जल्दी मैं फिर से बोलता जा रहा बोलूँ हूं, आप लोग लिखेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को याद नहीं रहेगा। बोलूँ सबसे पहला शांत रस, बोलूँ पहले सबसे पहला शांत प्रभु रस। जी जय हाँ श्री राम बोलिए। हाँ शांत रस शांत रस शांत रस, उसके बाद दासी दास्य रस रस, मतलब हम अपने आप को भगवान का पूर्णतः दास मानते हैं। शांत रस मतलब भगवान को हृदय में, बस हम अपना प्रकट नहीं करते हैं लेकिन एकदम भगवान को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। फिर दास्य रस, उसके बाद साख्य रस। साख्य का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, साख्य सखा, सखा का मतलब मित्र, मित्र भाव। उसके बाद मैंने कहा था वात्सल्य, मतलब माता पिता के भाव, मतलब हम कृष्ण के माता पिता के स्वरूप। बहुत माताएं जो हैं, बहुत प्रभु जी लोग भगवान को लड्डू गोपाल को लेकर घूमते हैं, या लड्डू गोपाल को रखते हैं अपना पुत्र मानकर, अपना पुत्र मानकर रखते हैं। और अंत में माधुर्य रस, जो सबसे उच्चतम है भगवान का प्रेम रस, जिसको कि हम सब लोगों को बताया था कि मनुष्य का उच्चतम जो भाव होता है वो प्रेम रस होता है। सब रस वैसे किसी, इसमें ऐसा नहीं है, ये सब रस अपने अपने, यशोदा मैया से ज्यादा कोई प्रेम करता था क्या? लेकिन वो वात्सल्य प्रेम में थी ना, यशोदा मैया अपने कृष्ण को लल्ला से, मतलब उनकी तो बस नाम लेने से मन में एक अलग तरह का तरंग होने लगता है। गोप सखाओं और वो का तो सखा प्रेम था, हनुमान जी का जो था दास्य प्रेम भगवान राम के, और शांत रस में एग्जाम्पल है अक्रूर जी का, याद रखिएगा क्योंकि कभी कोई पूछ सकता है शांत रस में किसका एग्जाम्पल है, तो अक्रूर जी। अक्रूर जी का क्यों? क्योंकि जब वो, उनको भेजा गया कृष्ण और बलराम को लेकर आने के लिए, जब उनको आदेश दिया गया कि कृष्ण और बलराम को तुम वृंदावन से लेके आओ, तो जब वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो जहां पे कोई भी पदचिन्ह दिखे उसमें कृष्ण ही दिखाई देते, कृष्ण और बलराम दिखते थे। जब वो स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे वहां पे भी कृष्ण और बलराम दिखे। मतलब उनका जो मन इतना ये हो गया कि वो रोने लगे, कृष्ण और बलराम, और उनको उसी समय में उनको मालूम चल गया कि यही मेरे भगवान। अक्रूर जी को तो वो शांत रस में थे, हनुमान जी दास रस में थे, गोप सखा मतलब भगवान के जो सखा लोग थे वो लोग साखे रस में थे, और वात्सल्य रस में आप माता कौशल्या हो, देवकी हो, यशोदा मैया का सबसे ऊपर माना जाता है। तो ये सब लोग माताएं जो हैं वो सब लोग जो है वात्सल्य रस, नंद बाबा हो या वसुदेव हो और दशरथ महाराज हो, और माधुर्य रस जो है वो गोपिकाओं के लिए, और उसमें भी श्रेष्ठ में इनकी
कौन है श्रेष्ठ में? राधा राधा, रानी। राधा रानी। तो भगवान, हाँ, तो ये जो कहा जाता है कि गोपिकाओं और उनके बारे में, समय कम है मैं थोड़ा, क्योंकि फिर डाइग्रेस हो जाएंगे तो हमारा गीता का ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। उनका खाली इतना ही मैं बता देता हूं आप लोग को कि भगवान कृष्ण के लिए, उन कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं, उनके लिए क्या था, दो ही चीज, दो सेंटेंस था, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को ही याद करना, कृष्ण को कभी नहीं भूलना, ये याद रखने वाला चीज है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, अभी मैं आगे, हम सब लोग अपने सत्र को बढ़ाते हुए, तो हम सब लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, और यहाँ पर अनेक, प्रभु जी, साक्य हाँ बोलिए, साखे रस में आपने किसका एग्जाम्पल दिया था? रस में गोप सखा लोग, उनके गोप सखा सब थे, बहुत सारे गोप सखा जो उनके साथ में, भगवान कृष्ण वृंदावन मालवन 12 तरह के जो वन है वहां पे वो घुमा करते थे गोप प्रभु जी, सखा। अर्जुन भी साक्य रस में आएगा ना? हाँ अर्जुन भी साखे रस में है, और वो अर्जुन साखे रस में भी है, अर्जुन को हम सब लोग ऐसे तो पार्थ के रूप में ही रहे हैं, लेकिन वो दास रस में भी है, मतलब भगवान के सेवक के रूप में भी है, नर नारायण के रूप में भी प्रकट हुए हैं, तो भगवान का वो नित्य सेवक के रूप में ही है। तो अब इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्ध, अब हम सब लोग थोड़ा कर्म, कल हम लोगों ने कर्मों के बारे में जाना, तो इसलिए मैं कर्मों का थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बोलूंगा। संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्ध चाहते हैं, फल स्वरूप वो देवता का पूजा करते हैं, जो कल हम सब लोग तो डिस्कस किए थे, और निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। कल हम लोग किया था ना, 3 तरह के कर्मों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, की था ना, तो उसमें पहला है सकाम कर्म चातुर, उसके बाद हम सब लोगों ने ये भी देखा था, सकाम के बाद विकर्म देखा था और अकर्म देखा था, अब उस सब का, अकर्म। हाँ अकर्म देखा था हम लोग आ गए थे। अभी भगवान बोलते हैं कि कैसे कैसे सृष्टि का जो है वो ये किया गया है, तो बोलते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारपि माम विद्या कर्ता अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम ये जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, मतलब भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ करने के बाद भी इनसे अछूता हूं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुणा कर्मा विभाग सर, तो हम लोग जो इस हमारी जो ये सोसाइटी को यहाँ पे 4 लोगों को देखा, एक है ब्राह्मण दिखाया जा रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ब्रह्म का ज्ञान को धारण करके और दूसरों को ज्ञान बांटता है, दूसरा जो है क्षत्रिय जो रक्षा करने हेतु उसका कर्तव्य होता है उसको क्षत्रिय क्षत्रिय का बताया गया है, उसके नीचे में वैश्य जो बैल के साथ में आप देख रहे हैं उन, वो भी भगवान, देखिए वो भी चंदन लगा, वो भी ऊपर में भी, तीनों व्यक्ति चंदन लगाए हुए, ऐसा नहीं कि तीनों नहीं चंदन है, और अंत में दिखाए हुए शूद्र है, तो कहने का मतलब है कि वो सेवा भाव में है। ठीक है, ये भगवान कहते हैं कि ये उनके गुण और कर्म के अनुसार ही उसका वो भगवान बोलते हैं कि मैं किया हूं, ये किसी जाति धर्म जो है कोई मनुष्य का नहीं बनाया हुआ है, बोलते ये मैंने बनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा शरीर भी इसी 4 भाग में बटा हुआ है, जबकि मैं इन सबसे परे हूं, ऊपर का सर का पोर्शन ब्राह्मण है, इस छाती का पोर्शन जो है क्षत्रिय है, पेट के उधर के पास का वो वैश्य है, और नीचे जो जो हमारा पैर है वो बोले कि शूद्र है, तो इसका मतलब भगवान के जब शरीर में सब अपने आप में इस समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर भगवान ने कहा कि ये मैंने किया है, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म कर्म फले स्पृह इतम माम यो विजन्ति कर्म वेदना सब बध्यति, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं कर्म के, भगवान अपने बारे में भी बताते जाते हैं, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्म के पास में नहीं बनता है, कोई भी बंधन में नहीं बनता है, भगवान ही, भगवान का कहना है, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति
को जानकर कर्म किया था। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान अभी अर्जुन को बता रहे कि प्राचीन काल से जो ऐसे दिव्य आत्माएं थे, वो इस दिव्य मेरे इस दिव्य प्रकृति को जानकर वो कौन सा कर्म करते हैं? हरे कृष्णा, ये निष्काम दिव्य कर्म, कौन निष्काम सा अकर्म अकर्म करते हैं, जिसमें कोई कर्म, भी अकर्म, जिसमें कोई भी पाप पुण्य का जो है फल उसमें नहीं होता है। अतः उन सब वो तो अर्जुन कहता है उन्हीं के पद चिन्हों पर सुन कर्तव्य कर्तव्य का पालन करो। देखिए दिव्य ज्ञान में तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट है ना, हम सब लोग यहाँ तक तो पढ़ ले। दिव्य ज्ञान में होता क्या है, दिव्य ज्ञान के बारे में हम सब लोग को ये तीन चीजें आप लोग लिख लीजिए कि दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है आप लोगों को पूछना चाहिए कि आपके प्रभु जी दिव्य ज्ञान के बारे में आप बता रहे, दिव्य ज्ञान होता क्या है, भगवान ने हम सब लोगों को बताया तो दिव्य ज्ञान क्या है। पहला चीज है दिव्य ज्ञान की मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, भगवान के ऐश्वर्य शक्ति अवतारों के बारे में जानने का हमारा अभिप्राय होना चाहिए दिव्य ज्ञान में। दूसरा चीज है कि हमको भगवान के बारे में उनके ऐश्वर्य, उनके लीलाओं, उनके जो अवतरित बारे में, उनके बारे में जानना चाहिए। और अंततः मेरे और भगवान के बीच में संबंध क्या है, यह है दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान को हम सब लोगों को प्राप्त करना है। और इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे लास्ट वाला हाँ एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, क्या क्या माता, हाँ, मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध। अब प्रश्न आता है कि ये दिव्य ज्ञान का चैप्टर है तो दिव्य ज्ञान हमें क्यों, हमको ये दिव्य ज्ञान चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके आप सब लोगों को इकट्ठे बताने का कोशिश कर रहा हूं, ये दिव्य ज्ञान क्यों चाहिए। ये दिव्य ज्ञान को क्यों प्राप्त करना, ये दिव्य ज्ञान को इसलिए प्राप्त करना है, हम सब लोगों ने पहले पढ़ा और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्लास के शुरुआत में, हम सब लोग को अपने इंद्रियों को क्या करना है, काबू कंट्रोल में करना है ना। तो काबू में करेंगे तभी तो हम सब लोग इस त्रिगुण जो के चक्कर में जो हम लोग फंसे हुए, तभी तो हम उस लोक से बाहर निकल सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान इसीलिए हमारे लिए जरूरत है, और इस दिव्य ज्ञान के द्वारा ही हम लोग सब लोग बाहर निकल सकते हैं। तो फिर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का परंपरा जो है, हम सब लोग अभी जो ये चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में हम सब लोग आगे आगे देखते हैं। हम सब लोग अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग, बिल्कुल हरे कृष्णा, एक अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम का सकाम क्या होता है, सकाम अपनी कर्म मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से काम करना। नहीं, हाँ सकाम कर, उससे हमें हमें पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य प्राप्त होगा तो हम लोग फिर भी इसी जगत में फंसे, हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम लोग स्वर्ग लोक चले जाएं, फिर वापस हम लोग को नीचे आना पड़े। स्वर्ग लोक में जैसा होता क्या है ना, आप 5 लाख रुपया लेके निकले घूमने के लिए, और आप 5 लाख रुपया खत्म हो गया तो होटल में, आप जिस होटल में रह रहे थे, आप उसको बोलेंगे कि भाई मैं तो आपके होटल में आया था, आप मुझे रहने दीजिए, आपको रहने देगा? तो नहीं, उन्हें आपको नहीं बोले कि भाई साहब धन्यवाद, आपका पूरा का पूरा जो है अब समाप्त हो गया, आप यहाँ से आप प्रस्थान करिए। उसी तरीके से हम सब लोग जब पुण्य करते हैं तो पुण्य का हम लोग भाग लेकर ऊपर जाते हैं लोक में, और वहां पर उसको सबको समाप्त करके वापस हम लोग फिर नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भाव में पूर्णता लीन होता है, जो अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त करता है, उसका हवन आध्यात्मिक होता है, और वो आध्यात्मिक तौर से जब जुड़ रहता है तो वो अकर्म करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वो श्रवणादि क्रिया इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि को उसमें स्वाहा करके, और इंद्रिय विषयों को अपने इंद्रियों की
अग्नि को भी स्वाहा करता है, उनके ऊपर में काबू प्राप्त। स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ? मतलब अपने ऊपर में काबू पाता है, उसके ऊपर में वो अपना जीवन को। देखिए पहले के समय में यहाँ पर कुछ चीजें चित्र दी हुई है, कठोर व्रत अंगीकार कर कुछ लोग अपने संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग द्वारा और कुछ दिव्य ज्ञान मंत्री का वेदों का अध्ययन द्वारा अपने आप को प्रबद्ध करते। आप ये बताइए ऐसी परिस्थिति कितने लोग कर सकते हैं? ये ध्रुव महाराज का चित्र दिखाया गया है, ये सतयुग के बारे में, इसका भागवतम में दिया चित्र बहुत सुंदर ये किया गया है। कितने लोग, अच्छा आपसे कह दिया जाए, हरे कृष्णा आप लोग से कह दिया जाए, माता प्रभु जी आप लोग ना अभी खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े होकर एक टांग पर टांग रखकर और जितना देर चल रहा है उतना देर आप लोग ऐसे ही खड़े रहिए। कोई कितना देर खड़ा है? 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, और कुछ लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो 5 मिनट, 5 मिनट। फिर भी कुछ लोग और ज्यादा सिद्धि प्राप्त किए होंगे तो मान लिया जाए 2-4 घंटे। अंततः हम सब लोग वापिस उसी पर अपने दो टांगों पे ही खड़े होते। लेकिन इस तरह का इस युग में हम, क्योंकि वो उस युग की बात कर रहे थे जब हर तरीके से मनुष्य को वातावरण शुद्ध, खान पीन शुद्ध, तो हमारे शरीर भी बलिष्ठ हुआ करता था। ध्रुव महाराज जो है वो अपने एक टांग से खड़े होकर महीनों महीनों तपस्या की। इसके बगल में आप देख रहे हैं एक स्वरूप में जिन्होंने अपने पूरे शरीर को ही गला दिया। तो इस तरह का जो ऑस्टेरिटीज है, इस तरह की जो तपस्या है, हम सब लोग को भगवद गीता में कहा गया कि तात्पर्य कि हम मानव जीवन को 4 आश्रम में सबसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, मानवता हम सब लोग को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बनाया गया है, पशुओं के भांति हम सब लोग को नहीं, मानव जीवन को अपने 4 आश्रम में रहकर व्यवस्थित होकर मनुष्य को मात्र आध्यात्मिक जीवन अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए। क्यों? इसलिए कि हमको कृष्ण भावनामित होकर अंततः अपने इंद्रियों को शुद्ध कर और भगवत धाम को प्राप्त करें। और उसको करने के लिए श्रवण जो है, श्रवण का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कहने का मतलब श्रवण जो है हमारे ज्ञान का मूल आधार है और हमें शुद्ध रूप से श्रवण करके, जैसे आप सभी लोग अभी में क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? हे परंतप, तब हे परंतप, द्रव्य योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत व सारे कर्म योग, कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। जो दिव्य ज्ञान के बारे में हम सब लोग अभी चर्चा कर रहे थे, तब अब ये दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त कैसे होगा? इस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो श्लोक नंबर 434 है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तोदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करें, विनीत भाव से जिज्ञासा करते हुए और उनकी सेवा करें, स्वरूप सिद्धि प्रकृति तुम्हें आपको ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान देंगे, उसको प्राप्त करके आप सत्य का दर्शन कर सकते हैं। हम हरे कृष्णा, हम सब लोग क्या करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, गुरु गुरु हमारे सामने में बैठेंगे, हम लोग गुरु के पास जाकर क्या बोलेंगे, हाय हेलो, आई हैव कम हियर टू गेट द नॉलेज फ्रॉम यू, आई नो ऑल द थिंग्स बट आई जस्ट वांटेड टू नो फ्यू थिंग्स, काइंडली गिव मी द नॉलेज। मैं सब ज्ञानी हूँ, मैं सब ज्ञानी हूँ आपके पास, लेकिन मेरे ज्ञान में कुछ अवरुद्धता रह गई है, कृपया करके आप मुझे वो ज्ञान दे दी। हम सब लोगों को, हम सब लोग जाकर नतमस्तक होकर उनके सामने में करबद्ध प्रार्थना करते हुए और उनसे याचना के भाव में, आपके अंदर में संशय है कोई बात नहीं है, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा अभी आपने, गुरु ने कहा कि हम सब लोगों को अपने जीवन को साक्षात्कार करने के लिए भगवान के दास बनना चाहिए। आप बोलेंगे कौन कह दिया है, किसने कहा है,
गुरु से ये नहीं पूछना है, गुरु से आपने ये पूछना है कि आपने मुझे आदेश दिया है, मैं इसको कैसे साक्षात्कार करूं। तो गुरु बोलेंगे तुम इस चीज को यहाँ पर पढ़ो और वहां पर तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तुम उसका अध्ययन करके बाद में तुम्हें और कोई प्रश्न हो तो वो तुम उसे पूछ सकते हो। तो हमें अपना जो है पूर्ण रूप से तद विधि प्रणिपाते न प्रश्न ने न सेवया, हम सब लोग को एकदम विनम्र भाव से अपने गुरु का जो है ये ज्ञान प्राप्त करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, चैलेंजिंग भाव में नहीं। तो ये सबसे यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जो है और उनके शिष्य, अगर आप इन सबको देखेंगे तो मेजोरिटी जो आपको इनमें दिखेंगे सब जो है विदेशी हैं, विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरु भी आज उनकी उम्र करीब करीब 78 साल की है और उनका जन्म जो हुआ कनाडा में और यूएस में रहे, 24 साल की उम्र तक उन्होंने कहा कि मुझे पूर्णतः ज्ञान भी नहीं था कृष्ण कौन है क्या है कैसे, लेकिन मेरे मन में हमेशा सत्य को खोजने की इच्छा थी और प्रभुपाद को वो मिले। और आज पिछले तकरीबन 53 साल से, ऑलमोस्ट 53 ईयर्स से हो गया वो हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं और पूरे दुनिया में वो कृष्ण के कृष्ण भावना में से लोगों को जोड़ रहे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। ये ज्ञान इतना सुंदर है जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त पापों को जला डालती है। तात्पर्य यह है कि आत्मा और परमात्मा का संबंधी पूर्ण ज्ञान और उस संबंध की अगर हम तुलनात्मक रूप अग्नि से करें, यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों को फल का जला कर समाप्त करता है अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मित करके समाप्त करता है। अंत में श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्पर सतियेन्द्रिया ज्ञान लब्धा परा शांति चिरेन अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और उस इंद्रियों को वश में कर लिया वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे प्राप्त करते वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते हैं अंत में इस चैप्टर का अंत श्लोक है, यो अंत नहीं लास्ट वर्ड वर्ड है, योग संशय कर्मान ज्ञान शक्ति संशयम आत्मा वंतम न कर्मानी निबदंती धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को त्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसे संशय, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका हो। संशय क्या था, संशय क्या था हमारे मन में, हमारे जब हम अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रखते तो हमारे मन में बहुत तरह के संशय उठेंगे और उन संशयों को ये दिव्य ज्ञान के द्वारा जब नष्ट हो जाता है तो वास्तव में वो आत्मपरायण होता है उस। और मैंने आप लोगों को एक और बताया था, कौन सा शब्द बताया था, दूसरे दिन बताया था आप लोगों को क्या होता है मन, जब उसको ज्ञान प्राप्त होने तो क्या होता है, आत्मरामा प्रभु जी, आत्मरामा हो जाता है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। और इस तरीके से हम सब लोग देखते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता का शिक्षा, 2 मिनट और मैं आप लोग का लूंगा, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप से पालन करता है, तात्पर्य देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, जो भगवान जैसे दिया था उसको उसी प्रकार से हम सब लोग को दिव्य ज्ञान को कृपा समस्त संशयों से जो है अगर प्राप्त करते हैं तो हम समस्त संशयों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्णतः हम सब लोग को ये ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होने के कारण श्री भगवान के अंश रूप में हम जो आत्मा अंश रूप में है, अपने स्वरूप का ज्ञान पहली बार हमें प्राप्त होता है, अतएव निसंदेह हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अतएव हमें अपने हृदय से अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उस ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालना। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तुम योग से समता होकर अब खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तब उन्होंने कहा तस्मात, यह क्या बोलते हैं, तस्मात अज्ञान संभूतम तसम ज्ञान आसीन आत्मना चित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उतस्थित भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय था
उसको अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और हे भरतवंशी, अब तुम जब इन सब चीजों को समझ गए हो तब फिर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अभी क्या होगा अर्जुन का? अर्जुन अभी भी संशय में है और उनको अभी और प्रश्न उनके मन में है। आप सब लोग के मन में भी प्रश्न होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अर्जुन के मन में भी प्रश्न है और अगला जो अध्याय है हम सब लोग कर्मयोग कृष्ण भावना विद कर्म उसके बारे में हम सब लोग चर्चा करेंगे। और अगले सत्र में आप सब लोग से मैं फिर प्रार्थना करूंगा, आप लोग कृपया करके ज्वाइन करें और इस यात्रा का जो हम सब लोग यज्ञ है ये भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ में जो हम आहुति दे रहे हैं वो पूर्णता उस यज्ञ के आहुति का फल हम सब लोग को प्राप्त। हरे कृष्णा माता जी प्रभु, थैंक यू सो मच। आप सब लोग हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद कृष्णा। मैं आप सब लोग से फिर क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रयास कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके लेकिन फिर भी 20-25 मिनट और ज्यादा लग गया। प्रयास यही रहेगी कि हम ज्यादा से 5-10 मिनट ज्यादा हो तो मैं कल पूर्ण प्रयास करूंगा कि जितना, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी विषय आ जाती हैं और जो मन में याद आता है हम सब लोग के प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सारी है। जैसे कि मैं आप लोग को एक छोटा सा लड्डू गोपाल की कहानी सुना देता हूँ जाने से पहले, सुनना चाहते हैं या फिर? बहुत हमारे मतलब परिचित, मतलब मैं उनको जानने वाले में से हूँ। बूढ़ी माता थी, दिल्ली में रहती थी, कुछ समय पहले की बात है। और उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी, तो एक पुत्र जो है वो अमेरिका, उनका जॉब हो गया वो चले गए, एक पुत्र जो है बॉम्बे में रहते हैं और एक जो उनकी बिटिया है मतलब पुत्री है उनकी शादी हो गई, वो कुछ दूर में उनकी शादी हुई तो कुछ दूसरे शहर में हो रहा था, अकेली हो गई। और माता जी के प्रभु जी मतलब उनके पति का देहांत पहले हो चुका था, माता अकेली थी। कभी कभी पुत्र जो है कभी फोन कर लेते हैं, होता है सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त, माता अकेली। एक दिन माता के मन में पता नहीं कहीं ना कहीं से प्रेरणा, तो वो कहां पहुंची? वृंदावन। तो वृंदावन पहुंची तो क्योंकि उम्र हो जाने के बाद मन करता है कि थोड़ा सा दर्शन करने के लिए जाए। उन्होंने सुन रखा था कि वृंदावन जो है पुण्य भूमि है, वहां जाकर दर्शन करके आना है, मंदिर माँ के बिहारी का और भी जो भी है सबका दर्शन करके। वो एक जगह से गुजर रही थी, थोड़ा थक गई थी तो बैठ गई, रोड के किनारे बैठी तो सामने में दुकान था। उस दुकान में उनको लगा कि कोई मुझे बार बार पुकार रहा है और उनके अंदर में चित्रण हो रही है। तो उन्होंने उनको रहा नहीं गया, तो वो देखी जब उस तरफ में तो उनको देखा कि कोई तो चेहरा है जो उनको आकृष्ट कर रहा है। हिम्मत करके वो गई और सामने में देखी कि एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल बैठे हुए मुस्कुरा रहे उनके तरफ। उनको ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि माता जी आप अंदर में और देख लीजिए, ये तो पैकिंग करके हमें तैयार रखना है, इनको जो मांगे हैं वो अभी आने वाले हैं, वो जयपुर से आने वाले हैं। माता ने कहा कि नहीं नहीं ये मुझे बोले हैं और ये मुझे देखकर पुकार रहे थे, मैं इसलिए यहाँ आई, मैं तो उस तरफ बैठी हुई थी लेकिन इन्होंने मुझे पुकारा है। वो अब ये जो है ऐसी बातें जो है वो दुकानदार बहुत बार सुनते रहे होंगे। उन्होंने बोला कि देखिए माता जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और राधे राधे कहकर उन्होंने कहा कि माता आप हमें क्षमा करें। बोले कि नहीं नहीं कुछ दो चार बार ऐसा हुआ, उसके बाद उन्होंने इधर उधर देखा, बोला कि देखिए माता जी आप हमें दुविधा में डाल रही हैं। तब तक फोन बज गया, फोन बजा तो उधर से जयपुर वाले ही थे। उन्होंने कहा कि कुछ कारणवश हम लोग नहीं आ पाएंगे, हम लोग 4 या 5 दिन के बाद आएंगे। ये व्यक्ति विस्मित, क्योंकि होता है, उसने कहा माता आप इनको लेके जा सकते हैं? तो माता बोली कि सही में? तो बोले हाँ आप ले, अभी तो आप मुझे मना कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने दे दिया, वो ले आए, उनकी सेवा हुआ कर खूब सेवा करती थी, जैसा उनको समझ में आया अपना खूब अच्छे से सेवा करती थी। एक दिन सुबह सुबह उनके हाथ से वो गिर पड़े। अब तो माता जो है इतना चित्कार कर रही थी, उनका जीवन समझिए कि
एक जीवन में एक स्फूर्ति आ गई, एक मन का जो है सुबह उठना, स्नान इत्यादि करना, अपने लड्डू गोपाल को तैयार करना, सेवा करना, उनके लिए थोड़ा भोग बनाना, ये जीवन जीवन कार्यकलाप जो है, जो पहले रुक सा गया था वो उनका जीवन गिर गया। तो इतना चित्कार कर रहे, तो अगल बगल के जो पड़ोसी लोग थे जानते थे कि माता जी अकेली रहती हैं, तो उन लोग तुरंत आकर घर में प्रवेश किया और देखे कि माता जो है वो जो है एकदम बेहाल है। तो बोले कि मेरा जो लल्ला है वो गिर गया है। तो सब लोगों थोड़ा सा अचंभित होकर फिर नजदीक बोले कि देखो देखो मेरा लल्ला मेरे हाथ से गिर गया, उसकी चोट लग गए, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुला। अब इन लोग समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे। अब बेचारे पड़ोसी बोले कि अगर किसी डॉक्टर को क्या बताएंगे, फिर भी उसी अपार्टमेंट उसी अगल बगल अपार्टमेंट में कोई डॉक्टर रहते थे, सुबह का समय था। उन लोगों ने उसमें से एक व्यक्ति गए और उन्होंने आग्रह किया तो वो आए, तो वो आकर इधर उधर डॉक्टर जो है देखने लगे, अपना वो जो है स्टेथोस्कोप आला लगा कर आए थे। तो फिर उन्होंने जब देखा इधर उधर तो बोले कि भाई पेशेंट कहाँ है, उनको तो पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तब उन्होंने कहा कि पेशेंट वो माता जी के पास, वो माता जी के पास गए। बोले कि तब वो माता जी बोले कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा लल्ला गिर गया, उसको चोट लग गया, कहीं हाथ उठ पैर कुछ टूट टाट तो नहीं गया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि माता जी सुबह सुबह मेरे साथ आप मजाक करने के लिए मुझे बुला लिया आपने यहाँ पर। तो बोले कि नहीं 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 मैं मजाक थोड़े कर रही हूँ डॉक्टर, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम कृपया करके मेरे लल्ला का चेक तो करो। जब माता जी का जो उस स्थिति को देखकर डॉक्टर थोड़ा क्या होता, डॉक्टर लोग भी क्या होता मनोविज्ञान जानते हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने तुरंत क्या किया, ठीक है देखे कि तो माता जी एकदम बिफर गई हैं, उन्होंने अपने कान में क्या डाला, स्टेथोस्कोप डाला, आला डाला, और उसके बाद उन्होंने अपना आगे का जो होता है जिससे कि वाइब्रेशन को चेक, उसको उन्होंने टच किया, टेस्ट पीस प्रभु जी, उसको जैसे टच किया तो कि डॉक्टर साहब था उनका उनका लगा कान में कि कुछ जैसे ही लड्डू गोपाल कुछ हुआ, वो एकदम अचंभित, फिर से उन्होंने वो देख रहे हैं अचंभित है, फिर से उन्होंने इधर उधर छुआ और जो उसके अंदर से जो आवाज आ रही थी वो डॉक्टर ही जानते हैं। उन्होंने माता को कहा कि माता आपका जो ये लल्ला है एकदम ठीक है, आप इनको ले जाइए, सेवा करें, इनका स्नान स्नान इत्यादि करा के इनको वो कराइए। उस व्यक्ति ने अपना आला निकाला वही पे रखा और वो व्यक्ति वही से वृंदावन चला गया और आज भी वो व्यक्ति वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। सिर्फ वो व्यक्ति ही जान सकता है या वो माता जानती है कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। उस लड्डू गोपाल ने उस व्यक्ति के जीवन को सार्थक कर दिया और आज भी मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि मन को हम सब लोग जब ज्ञान प्राप्त करने की जब जब कोशिश करते हैं तो ज्ञान के साथ साथ में हमारे अंदर का जो हृदय है उसको भी हम सब लोग को स्वच्छ करना पड़ता है। कितनी बार मैं उर्मिला माता जी ने तो सुन रखा है, मैंने बताया क्योंकि मैं जब इस चीज को सुना था तो मेरे आंखों से आंसू की धारा बहती रही, बहुत देर तक बहती रही और मैं अपने आप, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष, वो माता माता की कैसी कृपा, और वो डॉक्टर साहब मतलब वो लास्ट दिन और उन्होंने वहीं पर अपना आला छोड़ दिया कि मेरी डॉक्टरी तो खत्म और आज भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, डॉक्टर तो है ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। अतः हम सभी लोगों को अपने हृदय से जब कभी किसी अध्यात्म का जब हम सब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सब लोग को हृदय को सजल करना चाहिए और मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मेरे शब्दों में उस उतनी तरलता नहीं होगी, हो सकता है कि मैं वक्ता उस रूप में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं जब आप लोग के सामने में गीता का ज्ञान प्रस्तुत करने का जब मैं प्रयास करता हूं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मन में वो सजलता भगवान के कारण प्रकट होती है और मैं आप लोग के सामने में बोलने का प्रयास करता हूं। मैं दिन में पढ़ा, मैं ऑफिस में भी बैठा हुआ था,
तो तकरीबन एक घंटे भगवत गीता जो यहाँ तो दूसरा है वहां पर दूसरी कॉपी है उसमें मैं पढ़ने का प्रयास किया, और पढ़ने के बाद जितनी भी मुझे समझ में आई फिर मैं एक प्रेजेंटेशन जो बनी हुई है उसको देखा, और आप सब लोग के सामने में बस अपने आग्रह रूप में कि हम सब लोग जो इस गीता का ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ये मात्र भगवान ने इसे कहा ना, भगवान ने क्या कहा था, सूर विवस्वान को उन्होंने दिया है, तो हम सब लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यों गीता हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये गीता जो है हर मनुष्य पढ़ सके, और हर मनुष्य क्यों पढ़ सके, क्योंकि इसी से आप समाज में देखिए हमारी माताओं को कितना कष्ट हो रहा है, हमारी बेटियों को कितना कष्ट हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, अलग अलग तरह के व्यभिचार हो रहे हैं, तो ये गीता हम सब लोगों को वसुदेव कुटुंबकम हर इस पूरे जगत को एक छाता में लाने का एक ही काम कर सकता है, वो ये भगवत गीता है, और वो भगवत गीता को हमारे श्री प्रभुपाद ने यहाँ से भारतवर्ष से जाकर अमेरिका में, और अमेरिका से उन्होंने पूरे जगत में उन्होंने इसको कर दिया, और पूरे जगत को एक छत के एक ही छत के अंदर लिया है, 108 उन्होंने अपने समय में 108 मंदिरों को बनवाया, अब तो खैर बहुत सारे हैं, और उनके पुत्र और हम सभी लोग उनके इस लिनेज में है, कहा जाता है कि उन्हीं के वंशावली में है, तो हम सब लोग का यही प्रयास है, और मैं सब लोग से प्रार्थना करता हूँ कृपया करके मेरे शब्दों का अगर कहीं पे त्रुटि पूर्वक अगर आप लोगों के भावना को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए मेरे मुझे क्षमा करेंगे, मेरा अतएव कोई भी ऐसा मतलब मन में कोई ऐसा कोई और नहीं अभिप्राय है, सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि आप सब लोग तक गीता का ज्ञान पहुंचा सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी प्लीज। बोलिए माता जी। प्रभु जी आप बोले कि ब्रह्मा भी चेंज होते हैं, और इस युग के ब्रह्मा, अभी ब्रह्मा कौन होंगे, हनुमान जी, मीन्स वो कैसा पता चला और कैसा है वो मुझे थोड़ा आप थोड़ा बताइए। हाँ, ये शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी एक पोजीशन है, इंद्र भी एक पोजीशन है, अभी अगले मनमंत्र में इंद्र का पोजीशन बलि महाराज होगा, और मैं आप लोगों को इस बीच में ना अलग अलग जो इंद्र जो अलग अलग मनमंत्र में अलग अलग इंद्र है ना उनका नाम भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इंद्र एक पोजीशन है, इंद्र देव में उस ऑक्युपाई करने वाले का एक नाम होता है, जैसे कि मतलब हम सब लोग का कोई ना ऑफिस में जाते थे पोजीशन होता है ना, उसको ऑक्युपाई हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसी ऑपरेशंस, तो मैं राजेश शाही मेरा नाम, उसी तरीके से इंद्र भी एक पोजीशन है, ब्रह्मा जी भी एक पोजीशन है, ठीक है। अगर किसी के पास हार्ड कॉपी नहीं है तो मैंने लिंक शेयर किया है पीडीएफ का और agotam.in का, वहां से भी पढ़ सकते हैं हिंदी में। अच्छा जी, धन्यवाद प्रभु, आप लोग अगर समय हो तो आप लोग उसको कॉपी कर लीजिए और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और लेकिन मेरा ये हाँ प्रभु ने तो हेल्प किया, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही आप लोग से आग्रह होगा कि जब हम ये पकड़ते हैं ना इसको, ये गीता कुछ भी हो जाए, कितना भी ऑनलाइन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, किताब को पढ़कर देखकर पढ़ने का और हाथ में लेकर पढ़ने की आप सब लोग समझते सकते हैं कि किताब जब तक हाथ में नहीं होती है कितना वो तो भी वो तो अलग अनुभव है, पर मैंने कुछ लोग कह रहे थे कि कहां से मंगाएंगे या दूसरा कोई कॉपी है, इसके लिए मैंने शेयर कर दिया। एकदम ठीक है प्रभु जी, और वो मंगाने के लिए आजकल तो कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है, सब प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, लेकिन तत्काल के लिए प्रभु जी ने जो दिया है आप लोग उसका ये उपयोग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम लोग को भी कभी कभी जब जहां मान लिए भगवत गीता हमारे साथ में नहीं लेके गए तो हम लोग भी इंटरनेट में जाके ना भगवत गीता वेदाबेस देखकर जाके पढ़ते हैं, लेकिन किताब अपनी होनी चाहिए, और भगवत गीता जिस घर में है भगवान श्री कृष्ण का वास उस घर में, ये भी मैं आप सब लोग को बताने के लिए बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन लाल कपड़े में बांध के मत रख दीजिएगा, उसको अपने साथ लेकर अपने साथ प्रयास करिएगा कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण को लेकर घूम रहा हूँ,
यही मैं कृष्ण मेरे पास ही रहेंगे कोई भी परिस्थिति हो। हमारे पूर्वजों ने कुछ लोगों ने लाल कपड़ा तो आज भी मैं देखता हूँ, मैं भी पहले मेरे पास भी है लाल, मैं भी पहले लाल कपड़ा बांध के रखता था और कितने सारे गीता पढ़ लिया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जिस दिन ये गीता पढ़ा उस दिन से मुझे ये कृष्ण का वो एक उंगली उठाकर अर्जुन को समझाते हुए वो चीज ही मेरे जीवन में सार्थकता लाई और मुझे समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑलरेडी आप लोग का समय काफी ले चुका हूं, तो अगर आप लोग का प्रश्न नए हो, अगर अगर प्रश्न होगा तो अगले प्रश्न आप लोग अगला अगले सत्र में भी पूछ सकते हैं। और आप सब लोग की उपस्थिति यहाँ पर फिर से हम सब लोग को प्रेरणा देते हुए, और मैं आप सब लोग से फिर से अगले सत्र में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद और आप सभी लोग शुभ रात्रि, और आप लोग का आप लोग के लिए प्रार्थना करते हुए, और हम सब लोग जैसे है में सब लोग के लिए कहते हैं वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, क्योंकि उनकी बड़ी विशेष कृपा आप सब लोग के ऊपर में भी और हमारे ऊपर में। तो मैं अभी सत्र को यहाँ एंड कर रहा धन्यवाद प्रभु जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे बोल, धन्यवाद प्रभु जी, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे प्रणाम प्रभु जी, शुभ रात्रि प्रभु जी, हरे कृष्ण।